इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल जो है वो अक्सर ही न्यूज में रहते हैं और रिसेंटली इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है हमें ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं बट यहाँ पर बायलैटरल रिलेशंस जो इंडिया और मालदीव्स है उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया गया है जिसमें आरबीआई और मॉलडीव की सेंट्रल अथॉरिटी ने साइन किया है एक पैक्ट जिसमें वो ट्रेड करेंगे लोकल करेंसी से हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एकेडमी माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि ये कौन सा पैक्ट है जो आरबीआई और मॉलडीव की सेंट्रल अथॉरिटी ने साइन किया है इसके क्या फायदे हैं इंडिया और मॉलडीव का बायोलेट्रल रिलेशन एक दूसरे के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कि कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडिया और मॉलडीव अपने बायोलेटरल रिलेशन में इस वक्त फेस कर रहे हैं तो यहां पर बात हो रही है आरबीआई और मॉल डीज मॉनिटरी अथॉरिटी की जिन्होंने एक पैक्ट साइन किया है अपनी दोनों ही लोकल करेंसीज़ के यूज को प्रमोट करने के लिए और ये होगा जब ये जो ट्रेड कर रहे हैं उसके जो इनवॉइसेज़ है सेटल करने के लिए यहां पर लोकल करेंसीज का यूज हो जाएगा जहां पे मालदीवियन रुपया है और आई एन आर दैट इज इंडियन रूपी साथ साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि चहल एकेडमी जो है आपके लिए लेके आया है यूपीएससी आई एस जी फाउंडेशन रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें आप अपनी तैयारी स्क्रैच से एक अफोर्डेबल प्राइस पर स्टार्ट कर सकते हैं कई स्टूडेंट्स ऐसा फील करते हैं कि यूपीएससी की कंप्लीट ओवरऑल प्रिपरेशन जो है उनके पॉकेट में बहुत हैवी है और वो एक्सेसिबल नहीं है तो ये चहल एकेडमी का एक एफर्ट है टू मेक इट एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर द स्टूडेंट्स जिसमें उनको एनसीआरटी और जीएस लेक्चर्स के साथ सीसेट एसए करेंट अफेयर्स इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी मिलती है इसकी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी ने पैक्ट साइन किया है जिससे जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स हैं अपने इनवॉइसस को अपनी रिस्पेक्टिव करेंसी में सॉल्व सॉल्व uh, कर पाएंगे भर पाएंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मालदीवियन एक्सपोर्टर हूं और मेरा जो बिल है वो यहाँ पर मालदीवियन रुपये में हमें मिलेगा और इसके अलावा अगर मैं इंडियन एक्सपोर्टर हूं तो यहां पे जो मेरा बिल सेटल हो रहा है वो इंडियन रुपीस में होगा और ये जो फ्रेमवर्क है ये फैसिलिटेट करेगा कि यहाँ पे जो इनवॉइसेस हैं और सेटलमेंट है वो डोमेस्टिक कंट्रीज में हो करेंसीज में हो और साथ ही साथ दोनों ही करेंसीज को फॉरेक्स मार्केट में मजबूती मिलेगी बेहतर प्रेजेंस मिलेगी क्योंकि यहाँ पर डॉलर्स या किसी और करेंसी का यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज अपनी लोकल करेंसी का यूज करेंगी अपने इनवाइसिस को सेटल करने के लिए अब यहाँ पे कौन कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन मार्क हुए हैं इस पैक्ट में आइए वो देख लेते हैं सबसे पहला एरिया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया और मॉलिव के बीच में एक मेजर पिलर है कोऑपरेशन का जहां पर मेजर पिलर जो है यहाँ पर ग्रांट्स इन फाइनेंसिंग है जो मैरिटाइम कनेक्टिविटी के लिए की जाती है और इसमें अमाउंट जो है वो 500 मिलियन डॉलर का ग्रांट है और इसके अलावा 800 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया जाता है स्पेशली फ्रॉम एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया सो दैट यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो फेसिलिटेटेड रहे इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया जो है वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है और डेवलप कर रहा है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है माले में जो कि मालदीव्स का कैपिटल भी है और मॉलडीव का सबसे बड़ा आइलैंड भी है तो ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मॉलडीव में इसके अलावा इंडिया इन्वॉल्व है एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो कि हनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इंडिया के पास है इसके अलावा मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंडिया और मोलटीव जो है वो मैरिटाइम सिक्योरिटी मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और साथ ही साथ ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी साथ में काम करते हैं यहाँ पर ये एरियाज देखे गए हैं जो इंडिया और मॉलडीव के दोनों हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं और क्योंकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो एक मेजर चंक है तो यहाँ पे ट्रेड के फेसिलिटेशन से ये और बेहतर होता हुआ हमें आने वाले समय में दिख सकता है आप इस गिवन मैप में देख सकते हैं कि मॉलडीवस की जो लोकेशन है उसमें माले जो है वो बिगेस्ट आइलैंड प्रेजेंट है और इसकी काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है विद द इंडियन मेन लैंड अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि आखिर मॉलडीव का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए वो हमारा एक मैरीटाइम नेबर है और मैरीटाइम नेबर होते हुए यहां पर उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बन जाती है इंडियन ओशन में जिस लोकेशन पर वो प्रेजेंट है बिकॉज इट इज गेट वे टू द अरेबियन सी और काफी स्ट्रेटेजिक रूट का जो पैसेज है वो उस एरिया से होता है तो इंडिया अगर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है उस रीजन में और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है तो मॉल एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है और यहां पर उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस यही है कि वो इंडिया को अलाउ करता है कि जो इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट हैं उनको मॉनिटर कर सके और रीजनल सिक्योरिटी को अश्योर कर सके इसके अलावा काफी पुराने कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स है दोनों ही कंट्रीज के बीच अगर आप मोलडीवस के पुराने एशियंट स्क्रिप्चर्स देखेंगे तो उसमें बुद्धिज्म का आपको एग्जिस्टेंस दिखेगा और काफी समय तक बुद्धिज्म जो था वो मेजर रिलीजन हुआ करता था मॉलडीवस का इसीलिए यहां पर डीप रूटेड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज है जो कि सेंचुरी से भी पुराने हमें देखने को मिलते हैं इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक पीसफुल और प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप माल्टीव के साथ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया जो है नेबरहुड फोर्स पॉलिसी में बिलीव करता है और ऐसे बायलैटरल रिलेशन जहां पे अच्छे हैं वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं जो कि बहुत जरूरी है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जिससे पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे इंडियन ओशन रीजन में तो यहां पर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जैसे कि इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन मॉलिव जो है एक सिग्निफिकेंट पार्टनर है इंडिया का ट्रेड में टूरिज्म में और इन्वेस्टमेंट में भी जिससे बायलैटरल टाइज को फर्दर मजबूती मिलती है इसके अलावा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें इंडिया का जो इंगेजमेंट है मॉलडीव के साथ वो एक काउंटर बैलेंस की तरह एक्ट करता है स्पेशली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि चाइना जो रीजन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और एक स्टेबल एंड सिक्योर मैरीटाइम सी नेबरहुड इंश्योर करता है तो यहाँ पे बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से मैलडीव एज ए नेबर एज अ कंट्री एज द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट ऐसा नहीं है कि मॉलडीव के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है या सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप देखते हैं कि, कि इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है मॉल के लिए सबसे पहले असेंशियल सप्लाई की अगर हम बात करें तो एवरी डे के जो गुड्स है वो इंडिया से आते हैं चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे स्पाइसेस हो फ्रूट्स हो मेडिसिन हो और ये जो सप्लाई मटेरियल आता है जैसे कि सीमेंट रॉक बोल्डर्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है इसका मेजर सप्लायर भी इंडिया ही है तो यहाँ पर डिपेंडेंसी है बेसिक और कैपिटल गुड्स की इंडिया के लिए इंडिया की तरफ मॉलिव से इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मॉलडीव के लिए प्राइमरी डेस्टिनेशन एजुकेशन के लिए अगर हायर एजुकेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो वो हमेशा से इंडिया ही रहा है

वाटर शॉर्टेजेस हो या फिर कोविड नाइनटीन पैंडमिक हो जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली लाइक अ गुड नेबर मॉलडीव को यहाँ सपोर्ट किया है एड भेजा है और ये ऐसी इमरजेंसी के लिए इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर की तरह मानते हैं इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी सपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने काफी हद तक सिक्योरिटी सपोर्ट दिया है मालदीव्स को अगर हम 1988 की की बात करें तो ऑपरेशन कैक्टस के तहत इट वाज इंडिया इन रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी इन मालदीव्स जब यहां पर मिलिट्री को हो रहा था एंड ऑपरेशन कैक्टस उस ऑपरेशन का नाम था जिसके तहत इंडिया ने यहाँ पर स्टेबिलिटी अश्योर की थी अब तो हमने बात कर ली कि दोनों साइड्स का सिग्निफिकेंस क्या है एक दूसरे के लिए बट चीजें इतनी आसान नहीं है अक्सर इंडिया मॉल में एक कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है स्पेशली जो टाइम्स में बढ़ता हुआ दिख रहा है और रीसेंट टाइम्स में बढ़ता हुआ रीजन जो हम देख रहे हैं वो पॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से है न्यू प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद नूजू और इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स हैं इंडिया आउट कैंपेन के जहां पे ये इंडिया से बायलैटरल रिलेशंस नहीं रखना चाहते इनका बस चले तो ये हमसे कोई ताल्लुक ना रखें बट यहाँ पर इनकी डिपेंडेंसी इतनी एक्सेसिव है और सिचुएशनल ऐसा है कि ये ये नहीं कर पाते हैं और इनका जो मेन ऑपोजिशन है वो इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस का है जो मॉल में है जिसकी वजह से बायलैटरल रिलेशन जो है काफी बार स्ट्रेन हुए हैं इसके अलावा रेडिकलाइजेशन इस वक्त मॉलडीव में बढ़ता हुआ दिख रहा है जो भी वो भी एक चैलेंज की तरह उभरता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहां पर जो यूथ है वो रेडिकल ग्रुप्स चाहे वो आईएसआईएस हो चाहे पाकिस्तानी रेडिकल ग्रुप्स हो उनमें इवॉल्व हो रहा है इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क इंडिया के लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि मॉलडीव एक और फ्रंट प्रोवाइड करता है जहां से इंडिया क्लोज प्रॉक्सिमिटी में और ऐसी जगह पर अगर टेररिस्ट ग्रुप्स इनको यूज करें अटैक्स के लिए तो इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है तो रेडिकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ता हुआ दिख रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चाइना का इंफ्लुएंस है जैसे कि मैंने अक्सर इस सेशन में भी बात की कि चाइना का इंफ्लुएंस जो है अपनी स्ट्रिंग पोल स्ट्रेटजी के तहत पॉलिसी के तहत बढ़ता हुआ दिख रहा है जहां के मालदीव्स के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है बनाना चाह रहा है और अपनी प्रेजेंस जो है बढ़ाना जा रहा है ताकि यहां पे इंडिया का जो डिप्लोमेटिक लिवरेज है वो कम हो और यहाँ पर प्रो चाइना गवर्नमेंट जो वापस आई है एज न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू वो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो फर्दर लिमिट कर रही है तो दीज आर सर्डन चैलेंजेस जो हम प्रेजेंट टाइम में फेस कर रहे हैं इन इंडिया मॉलिव बायोलैटर रिलेशन बट ये जो नया पैक्ट हुआ है एक काफी पॉजिटिव स्टेप की तरह देखा जा रहा है जो आरबीआई और मॉलडीव मॉनिटरी अथॉरिटी ने लिया है जिससे सिर्फ बायोलैटरल ट्रेड ही नहीं बढ़ेगा यहां पर दोनों ही करेंसीज को स्ट्रेंथ मिलेगी चाहे वो मालडिवियन रुपये हो या फिर इंडियन रूपी हो और यहां पर डिपेंडेंस जो है किसी भी तरह की थर्ड पार्टी करेंसी पे कम होगी इसके अलावा कॉस्ट और टाइम जो है रिड्यूस्ड रहेगा और यहां पर इंडिविजुअल और बिजनेसेस जो क्रॉस ट्रेड में इन्वॉल्व है उनके लिए ट्रांजैक्शन टाइम और कॉस्ट दोनों ही रिड्यूस होता हुआ दिखेगा साथ ही साथ लोकल करेंसी जो यूज हो रही है उनकी मार्केट का भी डेवलपमेंट होगा जिससे फॉरेक्स मार्केट में इन लोकल करेंसीज का दबदबा जो बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा और ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन की तरह है इंडिया और मॉलडीवस के बायलैटरल रिलेशंस में जो इस वक्त थोड़ा स्ट्रेंड दिख रहे हैं और ये एक पॉजिटिव स्टेप की तरह है जहां पे इसे यूज करके आगे स्ट्रेंदन किए जा सकते हैं इंडिया और मॉलडीव के बायलैटरल रिलेशन अब आगे बढ़ते हैं यहां पर आपके लिए एक मेन्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंडियन मॉडिज हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज इन कॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ दिस इनिशियटिव फॉर बोथ नेशन एंड एनालाइज इट्स ब्रॉडर इंप्लीकेशन फॉर रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई होप आप इस क्वेश्चन को आफ्टर दिस से आंसर कर पाएंगे इन द कॉमेंट सेक्शन यू कैन सेंड बैक योर आंसर्स एंड आई टीम रिप्लाई बैक टू यू दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड कंसर्न यू कैन ऑल्सो पुट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर मोर सच सच मोर videos and content related information, you can subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.